शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, देखना। अधिराज आते ही होंगे मुझे ढूंढने। अधिराज तुम्हें क्यों ढूंढने लगा? क्योंकि तुम तो पहले से ही उसके पास हो ना। सुने ना, हम आज तक तुम्हें कोई खुशी नहीं दे पाए और तुमने हमारे लिए इतना सब कुछ किया। पसंद आया? बहुत। पता है सुने ना, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें तुम जैसे जीवन संगी नहीं मिली। देखो, मैं फिर से कह रही हूँ, तुम अपने उद्देश्य में कभी सफल नहीं हो पाओगी। तुम बाहर कैसे जा सकती हो? बाहर तो सुनैना पहले से घूम रही है। क्या? अधिराज! अधिराज! आज की रात बहुत खास है हमारे लिए, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आई। अगर आपको ये पसंद ना आए तो मैं केसर वाला दूध भी लेकर आई। नहीं नहीं, जब तुम लेकर आई हो तो नापसंद करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सुने ना, जब हमने इतनी प्रतीक्षा की है तो कुछ देर और सही। एक बार हमारा विवाह सार्वजनिक रूप से हो जाए, उसके बाद हम अपने जीवन के सुंदर सफर की शुरुआत करेंगे। तुम हमेशा इस आईने में कैद रहोगी। अपने पति को यहां से देखोगी, सुनोगी, लेकिन उसे बुरा करने या बुरा होने से रोक नहीं पाओगी। घबराओ मत, तुम सब कुछ देख पाओगी, सुन पाओगी, समझ पाओगी, लेकिन तुम्हें ना कोई देख पाएगा, ना सुन पाएगा, ना समझ पाएगा।
यह आईना मेरी काली शक्तियों से बना हुआ है। यहां से तुम बाहर नहीं आ पाओगी, कोई नहीं रोक पाएगा, दिव्य शक्ति भी नहीं। बचाओ, कोई है, मेरी मदद करो। अब मैं विराज को मंत्रलिखा से कैसे बचाऊं? स्वराज, इस बार हमारे विवाह की तैयारी आप अभी से शुरू कर दो, क्योंकि इस बार हम अपना विवाह बड़ी धूमधाम से करना चाहते हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई आपने। ये शुभ कार्य तो पहले ही हो जाना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। लो, रानी साहब भी आ गए। माँ, कहाँ थी आप? मैं और सुनैना आपको कब से ढूंढ रहे थे। हम अपने विवाह की बात सबसे पहले आपको बताना चाहते थे। हम मंदिर गए थे और देखो, आते ही हमें इतना बड़ा शुभ समाचार मिल गया। अम्बे माता करे तुम्हें जीवन में सारी खुशियां मिले। हम जाकर सुनैना को बधाई देते हैं। अभिराज के व्यवहार से तो नहीं लग रहा है कि सुनैना ने उसे रहस्यमय स्थान के बारे में कुछ बताया है। सुनो, तुम अधिराज को लेकर अग्निशाला गई थी ना? अधिराज को वो कक्ष दिखाया या नहीं? लगता है इस रानी ने सुनैना के साथ मिलकर कोई योजना बनाई है, पर मैं इसके प्रश्न का उत्तर कैसे दूं? मुझे तो इनकी योजना के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो क्या है ना रानी माँ, अधिराज थोड़े उदास से है, इसीलिए मैं उन्हें वो कक्ष नहीं दिखा पाई। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं उनकी उदासी बिल्कुल खत्म कर दूंगी। फिर आपने जैसा चाहा बिल्कुल वैसा होगा। हमें तुम पर पूरा भरोसा है बेटा। पता नहीं कौन सी योजना बनाई होगी दोनों ने। कैसे हो सकता है? हमने तलवार से धरती पर प्रहार किया और धरती में धरा रख गई और तलवार को कुछ भी नहीं हुआ, ये कैसे मुमकिन है? ये हमारे साथ हो क्या रहा है? लगता है अधिराज को अपनी शक्तियों का आभास हो चुका है, तभी वो इतने परेशान लग रहे हैं। पर मैं इतनी विवश हूँ कि मैं चाह कर भी उनकी परेशानी दूर नहीं कर सकती। अधिराज, क्या हुआ आपको? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? तुम बाहर कैसे जा सकती हो? बाहर तो सुनैना पहले से घूम रही है। तू ये चाल चली उस मंत्र लेखा ने, नकली सुनैना के माध्यम से मैं कालस्त्र का आधा हिस्सा पाना चाहती हूँ। पता नहीं सुनैना
कुछ दिनों से हमारे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तनाव में रहोगे, समय पर भोजन नहीं करोगे तो सर में दर्द होगा ही ना। मैं आपके लिए अपने हाथों से भोजन बनाकर लाई हूं। सुन रही हो ना? अच्छे से सुनना और देखना। आज मैं तुम्हारे पति अधिराज को मांसाहारी भोजन खिलाने वाली हूं, वो भी अपने हाथों से। पर उस बेचारे को इस बात की भनक तक नहीं है। मैं जानती हूं कि सब अधिराज को गलत रास्ते पर ले जाने के लिए किया जा रहा है, पता है अधिराज? रानी माँ ने दुल्हन का पोशाक रखा है मेरे लिए, बहुत सुंदर है। मैं सच में बहुत खुश हूं। हम चाहते हैं कि संसार की सारी खुशियां तुम्हें मिल जाए। नहीं, मुझे ये विवाह होने से रोकना होगा, वरना अधिराज की रक्षक शक्तियां जागृत होने से पहले ही खाली शक्तियां हावी हो जाएगी। अब मैं क्या करूं? यहां से कैसे निकलूं? हे अंबे मां, अब आप ही मेरी मदद करिए। ये सारे फूल ठीक से लग जाने चाहिए और महल को दिए से सजा देना। आप तेरी कौन सी नई चाल है मंत्र लेखा? चाल? हाँ चाल, विवाह हमारे बेटे का है और मंडप तू सजा रही है। विवाह का मंडप नहीं, तेरे बेटे की चिता सजा रही है। अरे अरे रानी साहब, आप तो क्रोधित हो गई, मैं तो मजाक कर रही थी। वो क्या है ना, अधिराज हमारे बेटे की तरह भी है ना, तो उनकी विवाह की खुशी में हमारे मुंह से कुछ भी निकल जाता है। और हाँ, आप वो चाल के बारे में पूछ रही थी ना, तो सुन रानी, मेरी अगली चाल बहुत खतरनाक होगी। अपनी अगली चाल से पहले पिछली बातों को याद कर लेना निशाकिनी। लगता है तू भूल गई कि कैसे तेरे कालस्त्र के दो टुकड़े किए थे और तुझे आईने में कैद किया था हमने। इधर आना। छोड़ दिया। बुराई और अच्छाई में यही फर्क होता है रानी, कि अच्छाई किसी का दर्द नहीं देख सकती और बुराई को किसी को मारकर भी दर्द नहीं होता। लेकिन एक बात मत भूलना मंत्रलेखा, हमेशा जीत सच्चाई की ही होती है। सच्चाई, ये है सच्चाई। ये आगे में बाहर वापस, यही सच है। और अब तेरे किए की सजा तेरे बेटे को दूंगी। ये तो सिर्फ चुटकियों की शक्ति दिखाई है,
असली शक्ति का प्रयोग तेरे बेटे को मारने में करोगी। मालती, ये राख पड़ी है, साफ कर देना। इससे पहले कि ये दोष हमारे अधिराज को नुकसान पहुंचाए, सुनैना से कहकर अधिराज की शक्तियों को जागरूक करना होगा। अंबिमा, कैसे निकलूं यहां से? कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। सुनैना, 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 कनक, कनक, आईना मेरी काली शक्तियों से बना हुआ है। यहां से तुम बाहर नहीं आ पाओगी, कोई नहीं रोक पाएगा, दिव्य शक्ति भी नहीं। उस निशातिनी ने कहा था कि सिर्फ काली शक्तियां मुझे देख और सुन सकती हैं। इसका मतलब कनक मुझे देख सकती है और सुन भी सकती है। कनक, 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 मैं यहां हूं। कनक, लगता है सुनैना कहीं बाहर गई है। नहीं कनक, कनक पीछे, कनक मत जाओ। कनक, मुझे और कोशिश करनी होगी। कनक, हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हमें कोई पुकार रहा है? आवाज कहां से आ रही है? कोई तो हमें पुकार रहा है। कनक, ये आवाज तो वहीं से आ रही है। कनक यहां, कनक अंदर, आईने के अंदर। आवाज तो यहीं से आ रही है, पर यहां तो कोई भी नहीं। मंत्रलेखा की चाल है, उसी ने मुझे यहाँ कैद करके रखा है। हमें कुछ भी करके रोकना होगा, ना बहुत बड़ा आनंद हो जाएगा कनक। बताओ कैसी लग रही हूं मैं? बहुत सुंदर ना? मैं जानती हूं, इसलिए कल रात अधिराज की नजरें मुझ पर से हटी ही नहीं। अरे मैं तो बताना ही भूल गई, आज मैं अपने अधिराज को जंगल ले जा रही हूं। मासूम जानवरों का शिकार करने, हमारे विवाह के बोझ के लिए। सच कहूं तो मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। आखिर इतना बड़ा बोझ है और तुम आमंत्रित नहीं हो ना?
बाहर निकालो। क्षमा करना सुनैना, हम अपनी शक्तियों की वजह से तुम्हें सुन तो सकते हैं पर तुम्हें इस आईने से बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि आईना मंत्र लेखा की अपार शक्तियों से बंधा हुआ है। और अधिराज को सच्चाई बताना बहुत जरूरी है कनक। लेकिन अगर हम अधिराज को बताने की कोशिश भी करेंगे कि तुम यहाँ कैद हो, तो वो हमारी बातों पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि नकली सुनैना अभी भी उसके साथ है। तभी तो मैं तुम्हें कह रही हूँ मेरा यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है कनक। कुछ सोचो, कोई तो उपाय होगा। सुनैना एक उपाय है, लेकिन वो बहुत कठिन है। तुम बस बताओ कनक, मैं अधिराज के लिए कठिन से कठिन रास्ते पर भी चल सकती हूँ। हम एक विधि करेंगे जिसकी वजह से तुम शरीर के साथ तो नहीं लेकिन आत्मा के रूप में इस आईने से बाहर आ सकती हो। तो फिर जल्दी करो वो विधि। पर इसमें बहुत खतरा है सुनैना। अगर तुम 24 घंटे के अंदर अंदर वापिस अपने शरीर में प्रवेश नहीं कर पाई तो तुम कभी अपने शरीर में वापिस प्रवेश नहीं कर पाओगी और एक आत्मा बनकर रह जाओगी। तो सोच लो सुनैना। मैंने सोच लिया कनक, चाहे कुछ भी हो जाए किसी भी कीमत पर मैं अधिराज की जान बचाऊंगी, भले मेरी जान क्यों ना चली जाए। अपना हाथ हमारे हाथ पर रखो सुनैना, अब यहां से बाहर आओ। मैं अधिराज से मिलकर उसे सारा सच बताऊंगी और तुरंत ही अपने शरीर में आकर प्रवेश कर दूंगी। अधिराज ना तो मुझे सुन पा रहे और ना ही देख पा रहे, समझ में नहीं आ रहा मैं उन्हें कैसे बताऊं।